नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लंबे समय से जो पेरेंट्स हैं लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो विंटर वेकेशन है उन्हें बढ़ा दिया जाए और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो स्कूल्स समर जोन में जितने भी स्कूल पढ़ते हैं, यानी कि जम्मू में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, वहाँ पर अब छुट्टियों को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है और 12 जनवरी तक जो है समर जोन जो है स्कूल्स वहाँ पर छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। 12 तारीख तक जो है छुट्टियां डाल दी गई हैं। जिस तरह से जम्मू में इस समय शीत लहर चल रही है, फॉगी जो है सीजन इस समय बन गया हुआ है और लगातार जो है ठंड का माहौल इस समय बना हुआ है और पेरेंट्स भी डिमांड कर रहे थे कि जो है छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये ऑर्डर आया है कि जो विंटर वेकेशंस हैं उसे अब एक्सटेंड करके जो है 12 जनवरी तक जो है छुट्टियां डाल दी गई है। पहले भी एक्सटेंशन हुई थी छुट्टियों में, पहले भी छुट्टियों को बढ़ाया गया था। पहले 4 जनवरी को स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन जिस तरह से इस समय सर्दी का माहौल बना हुआ है, कह सकते हैं कि भीषण सर्दी जो है इस समय जम्मू वालों को देखनी पड़ रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए स्कूल की जो विंटर वेकेशन थी उसको 4 जनवरी से एक्सटेंड करके जो है 6 जनवरी तक कर दिया गया था। और अब जो है एक बार फिर से ये ऑर्डर सामने आया है कि अब छुट्टियों को एक्सटेंड करके 12 जनवरी तक जो है छुट्टियां दे दी गई है। 13 को लोहड़ी है, 14 को संडे है, यानी कि अब आपको 15 जनवरी को स्कूल जाना है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये छुट्टियां 12 जनवरी तक नहीं, 15 जनवरी तक जो है घोषित कर दी गई हैं। जितने भी समर जोन में स्कूल आते हैं जम्मू में, जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आते हैं, उस समय उनमें जो है इस समय छुट्टियों को घोषित कर दिया गया है 12 जनवरी तक। मैंने पहले भी आपको बताया 13 तारीख को लोहड़ी है और 14 को संडे है और आपको अब जो है स्कूल बच्चों को जाना है वो 15 तारीख को जाना होगा। 9th, 10th, 11th, 12th के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और जो टीचर्स हैं उन्हें भी जो है इसके लिए करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द जो कहीं भी अगर बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किसी टीचर की ज़रूरत है, काउंसलिंग के लिए ज़रूरत है, तो टीचर को उसी समय हाजिर रहना पड़ेगा। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट जो आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए छुट्टियों को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, विंटर वेकेशंस को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 4 जनवरी को स्कूल खुलने वाले थे, फिर उसके बाद एक्सटेंशन की गई, छुट्टियाँ बढ़ाई गई, फिर 6 जनवरी को किया गया और अब जो है अब जो छुट्टियों को बढ़ाया गया है, अब ये कहा गया है कि छुट्टी जो है 12 जनवरी तक जो है अब जम्मू में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं वो खुलेंगे। क्योंकि जिस तरह से भीषण इस समय सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हमने सुबह भी आपको लाइव अपडेट दिया था कि लगभग 12 बजे भी जो है सीजन जो मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा फॉगी था, दूर दूर तक जो विजुअलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, विजुअलिटी कम होने के कारण जो है धुंध ज़्यादा पसरी हुई थी और उसके कारण लोगों को भी काफ़ी दिक्कत देखने को नज़र आ रही थी। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो आने वाले अगले एक हफ्ते तक मौसम का हाल इसी तरह से रहेगा, जिसके माने मद्देनज़र रखते हुए अब स्कूल्स में भी जो है समर जोन में जितने भी स्कूल हैं उनमें विंटर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि 12 जनवरी तक अब जम्मू जोन में जितने भी स्कूल आते हैं समर जोन में, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें 12 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो ये थी इस समय की बड़ी खबर जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।